सो हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम टू क्रिकेट मेज। आईपीएल 2020 पर रेगुलर अपडेट्स आती जा रही हैं, जहां पर जब से बीसीसीआई ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि हम लोग आईपीएल 2020 को कैंसिल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम लोग 3,800 करोड़ का नुकसान नहीं झेल सकते, उसके बाद सारी टीम अब हरकत में आने लग गई है और वो अपने अपने जो रेस्पेक्टिव डिसीजन है वो लेना शुरू कर चुकी है। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आरसीबी, सीएसके और केकेआर के लिए चार बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। इन चारों खबर को हम लोग डिटेल में डिस्कस और एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके सामने नज़र आ रही होगी। जो सबसे पहला जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है सीएसके के खेमे से। तो आपको पता ही है कि अगर आईपीएल 2020 29 मार्च को शुरू होता तो सीएसके के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी रहने वाली थी, क्योंकि उनका जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप था वो बहुत ही ज़्यादा वीक रहने वाला था। जहाँ पर अगर उनकी इंडियन फास्ट बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो वहाँ पर 3 फास्ट बॉलर भी मौजूद है, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और केएम आसिफ, जहाँ पर दीपक चहर इनके लिए मेन बॉलर रहने वाले थे लेकिन वो इंजर्ड थे और ये कंफर्म था कि वो अप्रैल तक आईपीएल नहीं खेल पाएंगे, यानी कि उस समय के लिए वो 70% ऑफ द आईपीएल मिस करने वाले थे। लेकिन अब जहाँ पर आईपीएल 2020 पोस्टपोन हो चुका है, जुलाई या फिर अक्टूबर में आईपीएल 2020 खेला जाएगा, तो ये कंफर्म हो चुका है कि दीपक चहर अवेलेबल रहने वाले हैं और अब सीएसके की जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है और सीएसके के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। तो नेक्स्ट खबर हमारी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है केकेआर के खेमे से। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी दो बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है। जो सबसे पहले अच्छी खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है वेन्यू की तरफ से, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आईपीएल 2020 को कोरोना वायरस के इर्द गिर्द कराया जाता है, मतलब कि जब पॉजिटिव केसेस इंडिया में है तब आईपीएल 2020 को करवाया जाता है, और अगर आईपीएल 2020 मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में होता है जिसके बारे में बीसीसीआई ऑफिशियल ने कहा है, तो ये कंफर्म है कि जो आईपीएल 2020 के जो मैचेस होंगे वो आपको इंडिया के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। और इसे ही कंफर्म है कि कोलकाता भी एक वेन्यू रहने वाला है जहाँ पर केकेआर की टीम, मैं आपको बता दूँ कि इस एक सिनेरियो में इकलौती टीम होगी जिसके पास होम वेन्यू होगा और केकेआर की टीम को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है आईपीएल 2020 पर। जो दूसरी अच्छी खबर केकेआर के लिए निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है इयान मॉर्गन की तरफ से, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इयान मॉर्गन ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर आईपीएल 2020 होता है तो वो खेलने वाले हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि मैं आईपीएल 2020 में दिनेश कार्तिक की काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला हूँ, जो एक तरफ से इशारा है कि शायद तक आईपीएल 2020 के लिए जो केकेआर की टीम है उनके वाइस कैप्टन आपको इयान मॉर्गन ही दिखने वाले हैं। जो हमारी लास्ट अपडेट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से। तो आपको पता है कि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इसी के वजह से सभी अपनी तरफ से डोनेशन कर रहे हैं, जहां पर अभी तक सनराइज़ हैदराबाद की टीम, केकेआर की टीम और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ऑलरेडी डोनेशन कर चुकी है, जहां पर अब आरसीबी की टीम ने भी अपना डोनेशन कर दिया है। आरसीबी की टीम ने भी तरह तरह से डोनेशन किया है, जिस तरीके से केकेआर की टीम ने किया था वैसे ही कुछ इन्होंने किया है। सबसे पहला चीज़ इन्होंने किया वो यही है कि आपको पता है कि अभी सैनिटाइज़र की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, इसलिए इन्होंने सैनिटाइज़र मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है। साथ साथ इन्होंने सैनिटाइज़र और मास्क जो है वो 5 स्टेट्स को डोनेट भी कर दिया है, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स को अभी तक ये मिल चुका है। इसके अलावा जो लास्ट डोनेशन इनकी तरफ से दिया गया है वो यही है कि इनकी जो कंपनी है डीएग्यू, उनके जितने बाहर टेंडर है वो उनको 30 मिलियन का हेल्थ इंश्योरेंस देने वाले हैं, जो एक बहुत ही बड़ा स्टेप इनकी तरफ से लिया गया है। और आप कह सकते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो टीम है उनके तरफ से कोविड-19 के लिए एक बहुत ही बड़ा डोनेशन किया गया है, जो बहुत ही अच्छी खबर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फ़ैन के लिए होंगी और ऑब्वियसली जो क्रिकेट फैन है उनके लिए भी रहने वाली है। तो ये तो थी चार बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही अच्छी खबर जो आईपीएल 2020 पर अभी हाल फिलहाल में निकल के आई है। मेरी तरफ से इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक।